हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे होममेड पास्ता, जो कि बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। इसके लिए मैंने पास्ता को बॉईल करके ले लिया है, और जो लगती है धनिया पत्ता, आदि, लहसुन, प्याज, मिर्ची, सबको काट के रख लिया है। और थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं ऊपर से। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें थोड़ा सा तेल लेंगे। छोड़ दे, हमारी बोलेंगे। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, हम उसमें डाल दिए हरी मिर्ची, उसमें अदरक लहसुन, और उसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब उसमें हम डाल रहे हैं ओनियन, ओनियन को ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने दो टमाटर को पीस के रख लिया है, या प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा लाल, हल्का लाल करके हम लोग टमाटर जो पीसा हुआ है उसको हम लोग डाल देंगे, और फिर उसको फ्राई होने के लिए रखेंगे 10 मिनट। लो फ्लेम में करेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। प्याज हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे दो टमाटर पीसा हुआ। और आप देख ही सकते हैं हम लोगों ने डाल दिया है टमाटर, और इसमें हम इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड करेंगे, ना इसमें कोई एडिटिंग होगा, ना कोई इफेक्ट होगा, ओरिजिनल सब आपके पास जाएगी। सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें। इसमें हम अभी डाल रहे हैं चिकन मसाला फॉर द टेस्ट। आप चाहे तो इसमें पास्ता मसाला का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, या आप सॉस भी डाल सकते हैं। टमाटो सॉस डालने के बाद इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा वाटर हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो ग्रेवी के लिए वाटर ऐड करेंगे। आपका जितना पास्ता होगा उस हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं उबले हुए पास्ता डालेंगे। हमने लाया है कलरफुल पास्ता, स्पाइरल पास्ता, जो आपको अच्छा लगे। मार्केट में बहुत बहुत किस्म की पास्ता मिलती है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको लेके आ सकते हैं। और इसको थोड़ा देर पकने देंगे, और इसको हम प्लेट में निकाल के गरम गरम सर्व करेंगे। लास्ट में आप ऊपर से धनिया पत्ता दे सकते हैं। यस, देखिए ये डाला जा रहा है धनिया पत्ता, और उसके ऊपर में चीज़ डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए ढक के, उसके बाद 2 मिनट के लिए ढक के आप छोड़ दीजिए, और उसको फिर गरम गरम प्लेट में निकाल कर सर्व करिए। और हमारी पास्ता रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।